बताएं कि यू आर वन ऑफ द यू नो वन मोस्ट टॉप इम्पॉर्टेंट क्रिकेटर और फिल्म में भी माशाल्लाह जिनको ज्यादा से ज्यादा एड्स मिले हैं अपने एरा में माशाल्लाह में मिले हैं। सो so, आपको कभी फिल्म की भी ऑफर हुई इसके साथ साथ दो दफा तीन दफा ऑफर हुई इंडिया में ऑफर हुई थी और फिर पाकिस्तान में ऑफर हुई थी मेरे ख्याल में काम वो करना चाहिए जो काम आन, आता हो आपको <laughs> तो मेरी जो पहचान थी वो क्रिकेट थी मूवीज वगैरह की तरफ कभी रुझान नहीं था या कभी मेरी फैमिली इस तरफ आ, सोच नहीं सकता था मैं मेरे जैन टीवी वगैरह में थोड़ी बहुत एक्टिंग जो भी <laughs> जो भी कर सकते हैं कमर्शल की हद तक ठीक ठाक लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मूवीज वगैरह की तरफ कभी नहीं सही <laughs> है आपकी बेटियों की अगर बात कीजिए माशाला आपने उनको बहुत वेल ग्रूम्ड बहुत मेहनत की उन माशाला तो जब आप शाहीन अफरीदी से अपनी बेटी का जो एक ताल्लुक रिश्ता माशाल्लाह कायम कर रहे थे तो तब आपने क्या माइंड में रखा कि क्या सोचा आपने कि वाई शाहीन अफरीदी देखिए क्योंकि बेटियों की रिस्पॉन्स या औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसी भी बहुत ज्यादा है और आजकल के आ, पेरेंट्स का अपने बच्चों को टाइम देना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपके बच्चे वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं कि जो जिनमें आप बच्चों को हर बात का जवाब दे या बच्चे आपसे आर्गोमेंट्स कर सकते हैं दिल्कल, दिल्कल। आ, वो आपको इसलिए नॉलेज एजुकेशन वो इस तरह की होती है कि बच्चों को आपको हैंडल करना पड़ता है आ, आ, बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए बिल्कुल पढ़ाना चाहिए आपका अपना एक मजहब एक तरफ है आपका अपना कल्चर जो हमारा एक बड़ा रिच कल्चर है अलहमद तो इन चीजों के अंदर देन फिर आप आ, बच्चों के फ्यूचर के लिए मैंने अगर शादी की है, तो मैंने अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी की है क्योंकि जो नजर पेरेंट्स की होती है वो आपकी नहीं होती, नहीं होती। और जो अरेंज मैरिज है अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो अरेंज मैर मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल है ठीक है ना और बिल्कुल अगर डिसीजन ठीक ना हो पेरेंट्स का तो दूसरी कर ले, लेकिन खैर पहला डिसीजन अच्छा हो गया था तो मैं <laughs> तो जहाँ तक शाइन की बात है, क्योंकि शाइन उनकी फैमिली काफी अरसे हवाले से मेरी फैमिली के साथ टच में थी बात हो रही थी अः शाइन एक एक क्रिकेटर जैसा भी हो एक इंसान का इंसान होना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो बहुत अच्छा इंसान जो भी क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज्यादा नहीं जानता था हमारे जो फैमिली के बड़े हैं वो आपस में एक दूसरे को जानते थे जो मेरे फोर फादर्स वगैरह लेकिन क्योंकि बीच में कॉन्टैक्ट खत्म हो गया था तो शाहीन के बारे में जो जो शाहीन के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था उस सब ने बहुत ज़्यादा पेस किया उसकी एटीट्यूड को एज ए ह्यूमन बीइंग

तो आपने क्या आपका क्या था उस वक्त वेल मैं आप बात कर रही हैं 2005 हज़ार की <laughs> तो ये तो बहुत पुरानी वीडियोस है काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बात होती भी रही है और ये चीज़ें हो जाती हैं ये चीज़ें हो जाती हैं और मेरे ख्याल में क्योंकि वो भी चाहता होगा कि इंडिया जीते मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था तो आई I मीन mean, कि इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं बात यह कि ऑफ द फील्ड इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ड्रेस ग्राउंड के अंदर इस तरह की चीज़ें होना कोई बड़ी बात नहीं होती लेकिन ये कि इंसान भूल जाता है और आगे चलता है

या की पुरजोर वजह से आप आते थे अच्छा मैं आपको बताऊँ ऑनस्टली क्योंकि मैं जब भी मेरे कमबैक बहुत ज्यादा हुए हैं टीम से निकाला भी गया कम बैक भी मैंने की हैं अच्छा कम करके मैं टी वी पर बैठ के आ, कोई बोर्ड की या सिलेक्शन कमेटी की बुराइयां नहीं करता था मैं जाता था ग्राउंड के अंदर जो मेरी लीग्स होती थी साउथ अफ्रीका लीग काउंटी लीग होती थी और तो मैं वहां जाके परफॉर्मेंस पे अपने फोकस करता था वहां जाके खेलता था इन आउट होते रहते हैं लेकिन बात यह है कि प्लेयर्स का वहाँ पता चलता है कि कम कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं तो मेरा मेन फोकस होता था कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट या लीग डिफरेंट लीग्स जाके खेलू अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करूँ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करूँ कि सिलेक्शन कमेटी मुझे वापस बुला ले तो मेरा मेन वो होता था नो no डाउट यहाँ पे जो है स्पॉन्सर्स भी मैं कहूँगा मैं झूठ नहीं बोलना चाह रहा यहाँ पे स्पॉन्सर्स होते हैं आपको जो पाकिस्तान टीम को स्पॉन्सर करते हैं जो पब्लिक डिमांड होती है उसको सामने रख के वो भी एक तरीके से एक सपोर्ट आती ही है आपको लेकिन मेन आपकी परफॉर्मेंस ही होती है

सारा जो प्रेशर है वो परफॉर्मेंस का है मीडिया का है लोगों का है, फैंस का है ये सारा प्रेशर है तो प्रेशर वही लोग लेते हैं या वही लोग हैंडल कर सकते हैं जो यहां से स्ट्रांग हो इसके लिए आपको बड़ा दिल चाहिए तगड़ा दिल चाहिए जो फेलियर से भी ना डरे जो किसी चीज का कोई प्रेशर ना ले और अपनी स्ट्रेंथ सेल्फ बिलीव ऊपर वाले पे बिलीव और सेल्फ बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपके पास सेल्फ बिलीव नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उस स्टेज पे जाने के काबिल ही नहीं है तो आई मीन के वो सारी चीजें हैं आप कभी कभार शेल के अंदर चले जाते हैं नहीं आपको शेल से निकलना पड़ेगा आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वो बड़े इवेंट्स होते हैं वहां पे आप जाते हो तो जितने भी आप आप ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी एग्जांपल देना मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का वेट करता था

क्या कहेंगे कि दोनों में से कौन सी लीग बेहतर है देखिए पैसों के अलावा अच्छा जी बिल्कुल आईपीएल का एक तो ये है कि बहुत लंबा कर दिया उन्होंने डेढ़ दो महीने की लीग कर दी है प्लेयर्स भी थक जाते हैं आपके इतना लंबा इवेंट मजा नहीं आता आ, नो डाउट जो आईपीएल है उससे काफी सारे प्लेयर्स जो है वो इंडिया को मिले हैं क्योंकि इवेंट बड़ा है और उससे प्लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एंड देन फिर प्रेशर को किस तरह मैनेज करना है मेंटेन करना है अपनी फिटनेस को वो बहुत फ़ायदा हुआ है पी की क्रिकेट इतनी लंबी नहीं है पी की अगर मैं बॉलिंग की बात की जाए तो इतनी अच्छी बॉलिंग आई के अंदर नज़र नहीं आई जो पी के अंदर नज़र नहीं आ, नजर आई है हमें पी एस से भी काफ़ी टैलेंट पाकिस्तान टीम को आ, मिला है और आ, मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल जितने भी क्रिकेटर्स जो ओवरसीज क्रिकेटर्स आते हैं और प्रोफेशनल्स आते हैं उनसे अगर मेरी बात हुई है तो वो हमेशा पाकिस्तान की बॉलिंग को बड़ा प्रेस करते हैं कि जो उस लीग की बॉलिंग है वो हमें कहीं किसी और लीग के अंदर नहीं मिली है आ, हमारा बहुत बड़ा शो है ये अलहमदुल्ला इस, इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ कि नजम सेठी साहब को बहुत जाता है इस लीग को कराने में पी एस एल को कराने में और मेरे ख्याल में ये वो इनिशिएटिव है जो सारी जिंदगी नजम सेठी साहब के साथ जुड़ा रहेगा और बहुत बड़ी बात है देखिए डिसीजन लेने पड़ते हैं अगर आप डर के बैठो कि यार कुछ हो ना जाए कैसे करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते